अच्छा दोस्तों, फिक्स इन एडसेंस के बारे में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे आपके एडसेंस अकाउंट को लेकर आपके यूट्यूब चैनल के अंदर स्टेप टू के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है फिक्स इन एडसेंस को लेकर। ना तो चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन आता है, ना ही आपको क्रिएट एडसेंस का ऑप्शन आता है, फिक्स इन एडसेंस आता है। तो ये कैसे निकलता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, और प्रॉपरली मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को हटाकर, और किस तरीके से यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस को मैं हटाता हूँ। ओके भाई, तो ये मेरे पास में एक यूट्यूब चैनल आया है दोस्तों, MS कपल व्लॉग्स, ये नेपाल का चैनल है। ये भाई मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इनके यूट्यूब चैनल में एक प्रॉब्लम आ गई है और मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको। देखिए, ये एक प्रॉब्लम आ रही है, इनके स्टेप वन तो इनका डन हो गया था, ठीक है, लेकिन स्टेप टू के अंदर इनकी प्रॉब्लम आ रही है। स्टेप टू में आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इनके मोबाइल में तो फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम शो हो रही है, और इनके डेस्कटॉप मोड पर यानी कंप्यूटर में जो मैं अपने लॉगिन किए इस आईडी को, तो यहाँ पर ये इन प्रोग्रेस है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जब फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके कुछ टाइम तक बाद तक थोड़ा सा मतलब 2-4 घंटे तक ये इन प्रोग्रेस दिखाता रहता है डेस्कटॉप मोड पर। मतलब अगर आप अपने चैनल को कंप्यूटर या लैपटॉप में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर ये इन प्रोग्रेस दिखाता रहता है, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर ये फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम ही दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है, तो कुछ देर के बाद में ये यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम शो हो जाएगी। अब इन भाई ने मेरे यहाँ पर मुझसे कॉन्टेक्ट किया टेलीग्राम पर, और फिर उन्होंने बताया कि सर हमारे यूट्यूब चैनल पर फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो अब मैंने इनसे वादा किया है कि सर आप अब बेफिक्र रहें तो आपकी इस प्रॉब्लम को मैं फाइनली दूर कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रोग्रेस में इनका चैनल है, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं, तब तक फिक्स इन एडसेंस यहाँ पर शो नहीं हो जाता नीचे की तरफ, तो तब तक तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ इनकी फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को दूर करके, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ टाइम का वेट कर लेता हूँ। तो फाइनली कुछ देर बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मैंने अब उस प्रॉब्लम को फिक्स किया है, यहाँ पर इन प्रोग्रेस में स्टेप टू हमारा जा रहा था, तो अभी मैंने उसको वहाँ से हटाने की कोशिश की थी। तो मैं मोनेटाइजेशन पेज पर आपको यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि देखिए अब फाइनली यहाँ पर फिक्स इन एडसेंस लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर पहले ये एरर का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर इन प्रोग्रेस आ रहा था लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब तक इन प्रोग्रेस आता है तो हम फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब स्टेप टू को सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं फाइनली इस स्टेप टू को यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ, मतलब फिक्स इन एडसेंस को यहाँ पर हटाने वाला हूँ, और यहाँ पर फाइनली स्टेप टू को मैं आपको डन करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने टाइम में मैं ये स्टेप टू की जो प्रॉब्लम है फाइनली निकाल पाता हूँ। तो चलिए उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ घंटों बाद चलिए यहाँ पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि भाई के YouTube चैनल की कंडीशन क्या है। मैंने मैनेजर से कह के उस एरर को निकलवाने की कोशिश की थी। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि फाइनली भाई के YouTube चैनल की कंडीशन क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर मोनेटाइजेशन पेज पर चलते हैं, तो चलिए जाकर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फाइनली यहाँ पर एरर जो आ रहा था लिखा हुआ, यहाँ पर एरर था, इसकी जगह नॉट स्टार्टेड की जगह एरर का ऑप्शन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई की प्रॉब्लम को भाई ने कम्प्लीटली यहाँ पर फाइनली दूर कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मिसिंग आ रहा था कि यहाँ पर एडसेंस अकाउंट मिसिंग है, पेमेंट प्रोफाइल वगैरह मिसिंग है, तो वो सब यहाँ से हट चुके हैं, और अब यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से हम स्टार्ट करके एक इसी अकाउंट से मैं एक एडसेंस बनाऊँगा, और फाइनली भाई का स्टेप टू भी मैं आपको सक्सेसफुली डन करके दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद में भाई का यूट्यूब चैनल जाएगा फाइनली अंडर रिव्यू के लिए। मेरा काम सिर्फ इतना ही था कि यहाँ से जो एरर था वो मुझे निकालना था, और दोस्तों अब मैं यहाँ से इसको डन करके देने वाला हूँ, क्योंकि भाई से मैंने MS कपल व्लॉग से वादा किया था कि फाइनली आपका स्टेप टू मैं आपको डन करके दूंगा, फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को हटा कर दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर एडसेंस अकाउंट भी लिंक कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर भाई का एडसेंस अकाउंट बनाने की तैयारी करता हूँ। चलिए यहाँ पर एडसेंस पे क्लिक करता हूँ, और गूगल एडसेंस अर्न मनी मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर करता हूँ गेट स्टार्टेड, और इसी जिस आईडी से यूट्यूब चैनल है इसी आईडी से मुझे फाइनली ये एडसेंस अकाउंट भी बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर आई डोंट हैव को कर देता हूँ चेक, यहाँ पर येस कर देता हूँ, और भाई की कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ नेपाल का भाई का यूट्यूब चैनल है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ नेपाल। और फाइनली अब मैं ये जो पूरा लिखा हुआ है
टर्म्स एंड कंडीशन, इसको स्टार्ट यूजिंग एडसेंस करता हूँ और फाइनली बाय का ये जो स्टार्टर का ऑप्शन है यहाँ पर मैं डन करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कैसे सारी प्रॉब्लम को आपके भाई ने दूर किया है। तो चलिए अब यहाँ पर एक एडसेंस अकाउंट मैं रेडी कर लेता हूँ। सो ओके गाइस, मैंने यहाँ पर फाइनली ये जो है एडसेंस अकाउंट बना लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ पे इससे कनेक्ट करने वाला हूँ, यानी लिंक करने वाला हूँ। तो फाइनली स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और एडसेंस अकाउंट को भेजता हूँ इन प्रोग्रेस में। अगर आपके पास में भी ऐसा ही है, अगर आपके पास में कोई पहले से एडसेंस अकाउंट है तो आप येस आई हैव एन एक्साइटिंग अकाउंट पे क्लिक करके उस पुराने एडसेंस अकाउंट को लगा सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई नया अकाउंट है, पुराना नहीं है, तो आप नो आई डोंट हैव एन एक्साइटिंग अकाउंट करके फाइनली कंटिन्यू करके एक नया एडसेंस जो आपने बनाया होगा उसको आप लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिकली इसको रीडायरेक्ट कर लेगा। तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि इन प्रोग्रेस में जाता है या नहीं। ओके, सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेप टू इन प्रोग्रेस में जा चुका है। अब यहाँ पर फाइनली इसको 8 घंटे लगने वाले हैं स्टेप टू को इस तरह से डन होने में। जब ये डन हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर डन लिखा हुआ आ जाएगा। ओके दोस्त, सो गाइस फाइनली मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दोबारा से आया हूँ लगभग 16 घंटे के बाद में। तो भाई का स्टेप टू यहाँ पर शायद डन हो गया होगा, ये नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर देखता हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं भाई के डैशबोर्ड पर गया तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन नोट अप्रूव्ड यहाँ पर लिखा है और मोनेटाइजेशन पेज पर जो आकर मैं देखता हूँ, ओफो भाई का तो यहाँ पर बदकिस्मती से चैनल ही रिजेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पहली बार ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप टू डन हो गया होगा, उसके बाद में चैनल अंडर रिव्यू के लिए गया और उसके बाद में ये चैनल कैंसिल भी हो गया। मतलब ये चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ने मोनेटाइज ही नहीं किया, क्योंकि अगर स्टेप टू डन ना होता इस यूट्यूब चैनल का तो ये यूट्यूब चैनल जो है अंडर रिव्यू में जाता ही नहीं। तो अब ये रिजेक्ट हो चुका है, भाई को दोबारा से यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा 3 फरवरी को। तो ये भी होता है दोस्तों, आप अगर अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं या स्टेप टू की कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के बाद में, तो दोस्तों आप अपने चैनल की जो वीडियोस होती हैं उनको अच्छे से चेक कर लें और ये देख लें कि आपने कोई रीयूजिंग तो नहीं की है अपने यूट्यूब चैनल पर, मतलब रीयूज कॉन्टेंट का इस्तेमाल तो नहीं किया है। तो मुझे यही लगता है कि भाई ने काफ़ी सारी वीडियोज़ रीयूज डाल रखी थी तो उसकी वजह से इस यूट्यूब चैनल पर ये प्रॉब्लम आई है। तो खैर मेरा काम मैंने कम्प्लीटली यहाँ पर कर दिया था, मेरा कोई एरर नहीं है और ये एरर जो आया है भाई के खुद के कंटेंट की वजह से आया है। तो अगर फ्यूचर में आपको भी स्टेप टू की प्रॉब्लम को यानी फिक्स इन एडसेंस को सॉल्व कराना है तो आप अपने भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दिखाई है कि फिक्स इन एडसेंस की प्रॉब्लम को सिर्फ 8 या 9 घंटे के अंदर मैंने कैसे सॉल्व कर दिया है। और अगर फ्यूचर में आपको भी ये प्रॉब्लम निकालनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे इस टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।